वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ गाइस, क्योंकि आज मैं फिर जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ घूमने। हम जाएंगे मैक्लोडगंज, तो ये व्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ, मैक्लोडगंज का व्लॉग। सो लेट्स गो गाइस। चलो चलो चलो, लेट्स गो। थोड़ी कंगी भी डाली। चले 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 चलो 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 मैक्लोडगंज मैक्लोडगंज। बरखा बड़ी हुई ऊपर। और गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई है बारिश धर्मशाला में, और इतनी अच्छी हवा चल रही है कि ओ माय गॉड। कैसा लग रहा है गाइस तुम्हें? अच्छा लग रहा है। तो गर्मी से राहत पानी हो तो धर्मशाला आ जाए, बस मौसम देख के आए, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कभी भी चल पड़े हमारी तरह। गाइस हम निकले हैं घूमने और हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसका टायर फट चुका है। खत्म, बाय बाय टाटा। फटा नहीं है, अब फटने वाला है। ऐसे मत लगाना उंगली पापा। माय गॉड। सो अब इस टायर को ठीक करने के बाद जाएंगे हम। गाइस ये है रोपवे का सिस्टम, जो आप नीचे से सीधा मैक्लोडगंज ऊपर बाय रोपवे आ सकते हैं। सो यू कैन एंजॉय दिस राइड। हम पहुंच गए हैं मैक्लोडगंज। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट डिनर लंच कर सकते हो। इट्स लोमा कैफे। गाइस ये बहुत पीसफुल टेंपल्स होते हैं यार। अपनी कैंडल्स जलाते हैं यहाँ पे। वेरी नाइस। बहुत टेस्टी मोमोज है, चावल के आटे के मोमोज। फिर दलाई लामा मंदिर जाने के बाद हम गए भागसू नाग टेम्पल। ये है भक्तनाथ का, जहाँ पे ये झरना है और यहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो आप यहाँ पे नहा सकते हो और अपने आप को शुद्ध कर सकते हो। ये मेरा भाई गाइस ये नहाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन इसके बस की बात नहीं लग रही है, बहुत डरपोक है ये। और हम तीनों हम तरस रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि हम कपड़े नहीं लाए एक्स्ट्रा, हमारी गलती है ये। कहाँ पर है अभी ये बुरे हाल से? ओह माय गॉड। वाटरफॉल, और आप यहाँ पे आके अच्छे से वाटरफॉल का, ठंडे पानी का एकदम एंजॉय, भरपूर आनंद उठा सकते हैं। तो बताओ कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है ना? तो अब मैं आपको लेके जाऊंगी उस वाटरफॉल की ओर। सो लेट्स गो। ये हमें मिला क्यूट सा रैबिट गाइस, सो क्यूट पांडा रैबिट।
फोटो भरी तो थक गया कैसे? ये वाले गुलाब जामुन का ये तो मैं बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी जरूर खाना जब भी आओगे। ये भाग सुनाग मामा फेमस है ना स्लेट का वगैरह के लिए, यहाँ पे स्लेट मिलते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे बैठ के अपना फोटो शूट कर सकते हैं बहुत आराम से। आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाओ। यहाँ से दो रास्ते हैं, यहाँ पे आप स्काई साइकिलिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है, और यहाँ ऊपर आप वाटरफॉल एंजॉय करने के लिए जा सकते हो। सो लेट्स गो हियर नाउ। गाइस वो बैक साइकिलिंग कर रहा है। ये आपके नहाने के लिए यहाँ ऊपर एक और जगह है वाटरफॉल के थोड़े नीचे, यहाँ पे देखिए आप नहा वगैरह सकते हो। ये मेरे पापा जो बेचारे थक गए। फिर हमने भी यहाँ छोटी सी टपरी में लिए कुरकुरे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी थी। जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ स्लेट्स मिलती है बहुत ज्यादा फेमस, ये सारी स्लेट्स हैं जिनके पहले लोग घर बनाते थे अपने। ये देखिए जैसे वो घर बनाया, जैसे वो घर बनाया हुआ स्लेट का। ये देखिए आज मेरी मम्मी जो दो महसूब आलू के परांठे खिलाए ना मम्मा को, उसके बदौलत मम्मी हमसे भी तेज भाग रही है। गाइस फाइनली वी आर हियर। इसमें कोई डाउट नहीं गाइस कि सुंदर है, पर ये काफी भीड़ वाला लगता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ। ये है बासुनाथ वाटरफॉल जहाँ पे हम आए इतना चढ़ के। हमारे पैरों के बहुत ज्यादा बुरे हाल है, बस अब हम इतना ही आए थे, अब हम चल जाएंगे, हम थोड़ा सा ही घूमने आए थे बस, 15 मिनट भी नहीं रुके होंगे हम यहाँ पे, है ना? कैसा लग रहा है मम्मा? बड़ा प्यारा मजा आ रहा है, प्यारा मजा आ रहा है ना? कैसा लग रहा है? चलो चलो गाइस चलो, पापा यार गाइस आपको पता पापा हमें रुकने नहीं दे रहे हैं यार। चलो गाइस यार बहुत टाइम हो गया ना। भाग भाग, ये पापा की परी देखो कैसे उड़ रही है गाइस। यार मैं चप्पल बहुत फिसल रही है यार, ऐसे ही हम आ चुके हैं घूमकर और अब चुपचाप जा रहे हैं हम अपने घर। गाइस जा तो हम चुपचाप रहे थे घर, लेकिन रास्ते में यहाँ बर्गर खाने फिर रुक गए हैं, हम थक चुके हैं और बर्गर खाएंगे अब। ये मुझे धर्मशाला का बहुत ही ज्यादा प्यारा सा व्यू लगता है। धर्मशाला से कांगड़ा वापस आते आते रास्ते में ये टी गार्डन भी आते हैं गाइस। हमने तो बहुत बार देखे हैं इसलिए हमने रुक कर वहाँ पे कोई फोटोशूट वगैरह नहीं किया, लेकिन आप अगर वहाँ पे जाएं तो यहाँ पे भी फोटोशूट का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बहुत ही फेमस टी गार्डन है धर्मशाला के, और आप यहाँ पे अपनी चाय पत्ती का भी इंजॉय कर सकते हैं, फोटोशूट का भी मजा ले सकते हैं, और ग्रीनरी भी बहुत सारी देखने को तो आपको वैसे ही पहाड़ों में मिल जाती है। फिर पहुंचे हम गग्गल एयरपोर्ट के पास, वहाँ पे मेरी नानी जी का घर है, तो मेरी मासी और मेरे मामू हमारे लिए रास्ते में सब्जियां लेकर आए थे क्योंकि वो अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं, तो रास्ते में जाते जाते उन्होंने हमें भिंडी और घिया पकड़ा दिया, फिर सब्जी लेकर हम अपने घर वापस चले गए गाइस। सो एंड करती हूँ मैं इस व्लॉग को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। बेबी बिल्लू